देखिए, भारतीय जनता पार्टी अली नगर में कभी कमजोर नहीं थी, अली नगर में सब दिन मजबूत थी भारतीय जनता पार्टी। 2015 में भी मैं 54,000 समथिंग वोट लाकर और जीतते जीतते हार गए थे, और फिर 5 साल यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया और 20 में हम लोगों ने NDA के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और यहाँ NDA का विधायक के रूप में मैं चुनाव जीता। तो भारतीय जनता पार्टी में ये है, जो जब NDA का उम्मीदवार 2010 में था प्रभाकर चौधरी जी, तो उस समय 27,000 मात्र वोट प्राप्त किया था और 2015 में ठीक दुगुना वोट। कमजोर कैसे है, 15 में भी मजबूत था और 20 में भी मजबूत है, और 20 के बाद जो 24 होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से दरभंगा जिला में आएगा। और अली नगर आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये 2024 की तैयारी थी, पूरा 24 की तैयारी। जहां तक पप्पू जी का आपने सवाल उठाया, पप्पू जी का भी स्वागत है, वो पार्टी में आए हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी और मजबूत होगी, ये बात मानने योग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है और मजबूत पार्टी का मैं मजबूत MLA हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि राष्ट्रवादी पार्टी है जी, जी। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा होती है कि राष्ट्र की बात, राष्ट्र के लोगों की बात सबसे ज्यादा होती है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आज जो मंच सजाया गया था, आज जो टेंट लगा था, उस टेंट के अंदर एक भी तिरंगा नजर नहीं आया, क्या कारण था? देखिए, पार्टी की मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का बैनर झंडा लगा हुआ था। इसमें राष्ट्र के प्रति लोग समर्पित हैं, राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच रखती है, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करता है। लेकिन आज जो मीटिंग थी वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी मीटिंग थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने मीटिंग को प्रेजाइड किया है। हमें लगता है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार में लगता है जो परिवर्तन का लहर चल रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन का लहर चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो मिश्री लाल यादव यानी के जो विधायक हैं उनके लिए कांटों भरा रास्ता होगा? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं अली नगर की धरती को चुंबन किया था, स्वीकार किया था, नमन किया था, उस दिन भी कांटे से भरा हुआ था और हंसते हंसते उस कांटे पर चलते चलते आज फूल मेरे हाथ में पड़ा है, वो कांटा सारा फूल में बदल गया है। आपको मालूम है ऊंट जो है वो कांटे वाले झाड़ी को खाने में बड़ा उनको मजा आता है, कारण उसके भाप में इतनी ताकत है, जब बबूर का जो कांटा होता है ऊंट उसको अपने मुंह से फूंकता है और जब वो मुलायम हो जाता है तो उसको चाहता है। तो मैं 15 में आया, ये जो कांटा भरा था 20 में वो तो मुलायम हो चुका है मिश्री लाल के भाप से, अब ये कांटे से भरा नहीं है, जनता इतनी जग चुकी है, अब टोटल इसमें कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से यहाँ मजबूत थी, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बैनर लगा है, बड़ा प्रोग्राम हुआ है, तो कैसे माना जाए कि भारत? नहीं 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 नहीं, ये पहली बार हाटगाछी में मीटिंग नहीं हुई है। जब मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के चुनाव अली नगर में लड़ने के लिए आया था तो हाटगाछी में माननीय रामविलास पासवान जी का और गिरिराज सिंह जी का जोरदार भाषण हुआ था, भारी संख्या में लोग भाग लिए थे और उसका असर चारों तरफ गया था। तो यह दूसरी बार मीटिंग है, पहली मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिस समय में भय का वातावरण था उस समय में मैं हाटगाछी में मीटिंग किया था, और इस बार भय मुक्त अली नगर में, मतलब आजाद अली नगर में
जब हम एमएलए हो गए हैं तब मीटिंग हुई है, दूसरी बार मीटिंग हुई है हाटगाछी में। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? पूरा का पूरा मतलब है, पूरा जनसैलाब है। 24 में भी मतलब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 में भी एनडीए का और बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको नहीं लग रहा है कि अब यहाँ स्थानीय एक ऐसे उम्मीदवार आ गए हैं जिससे मिश्री लाल जी को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, उन्हें क्यूटी जाना पड़ सकता है, मिश्री लाल जी को क्यूटी जाना पड़ सकता है? एक बात मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जिसको जहाँ से टिकट देगा वहीं से चुनाव लड़ेगा। मुझे 2015 में भी पार्टी टिकट दिया, 20 में भी टिकट दिया और 25 में भी मुझे उम्मीद है पार्टी अली नगर से हमको ही टिकट देगी। वैसे पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, उनका जो निर्णय होगा सबों को मानना है।